एक बार फिर उठे प्रशासन की हैवानियत पर सवाल। शराब मामले में जेल में बंद विचाराधीन कैदी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का सीधा आरोप है, पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं प्रशासन के लोग इस मामले में कुछ भी बताने से बचते नजर आए हैं। हालांकि मृतक की जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान हकीकत बयां करने के लिए काफी है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के भैरो कोठी निवासी मोहम्मद इजराइल के पुत्र मोहम्मद निजाम के रूप में हुई है, जिसे शराब मामले में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बीते 24 जनवरी को भैरो कोठी गांव से ही गिरफ्तार किया गया था। मृतक की पत्नी मुन्नी खातून ने बताया कि पकड़े जाने के दौरान भी पुलिस द्वारा बेरहमी से उसकी पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसे पुलिस अपने साथ ले गई। जब उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी शरीर पर पिटाई के कई निशान थे, साथ ही उसके मुंह में खून भी निकल रहा था। मौत की सूचना के बाद सीतामढ़ी डीएम के निर्देश पर सदर एसडीओ राकेश कुमार के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड टीम का गठन का पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्या हुआ है? मामला यही है कि इसका मतलब उसको बस बाड़ी है, खेत पथार सब है वहाँ पे। ये आग फूक के ताप रहे थे वहाँ पर, समझे? इसकी पत्नी अपना साइड से आड़ी पर बैठी हुई थी, ये मढ़ैया के पास अपना बैठ करके आग धनका करके ताप रहे थे। लगभग 5 बज रहा था, 5 बजे पुलिस प्रशासन मतलब कि सादा ड्रेस में गए। गांव का लोग कुछ मतलब कि जो ऐसा है उसके पर मतलब कि जलन से इसको मतलब कि जो भी मतलब कि कह करके ये शराब उराब नहीं बेचते थे, ये सब गलत बात है। डेली वहाँ घटना कब की है? घटना कब घटना कब की है? ये 23 तारीख। ये कहाँ मामला कहाँ का है? ये भैरव कोठी का है। अभी क्या हुआ है? अभी मतलब कि इसको तो पकड़ के ले गया, पकड़ने के वक्त भी इसको मारा तो इसकी पत्नी इसको मैंने पुलिस को बोला कि इसको मार रहे हैं, क्यों जब पकड़ लिए तो ले जाइए बैठा को, जो देना है जो दीजिए, जेल दीजिए, लेकिन मारिए इनको मत। ये इनको ले गए पकड़ के, इनकी बीवी बोली, इनकी बीवी को बहुत धकेल दिया गया खेत में। पुलिस नहीं जो थी जोड़े जोड़े वो भी धकेल दी इसको पत्नी की, इसकी पत्नी उठ के खड़ा हुई, गाड़ी तक ये पहुंची इसकी पत्नी, फिर इसको ले गया तो उसकी पत्नी वहां से लौट गए। जब जेल ले गए, जेल लगे, जेल का जो प्रक्रिया था प्रक्रिया ने इन्हों कर रहे थे कि जेल से 13 तारीख को ये लोग छूट जाएंगे। एक और है इनका चाचा भतीजा है, एक और उनको उनका भी डर है, उसको कोई ठीक नहीं, उसको भी जेल से मार के भेज देगा, समझे? तो इसको मतलब कि कल आदमी शाम तक ले इसका काम धंधा जो भी था उसको काम धंधा करवा के शाम को लगभग 4-5 बजे इनका सारू आया वहाँ से हॉस्पिटल जेल से आया। और उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे सुबह में, तब चौकीदार पहुंचा है होटल में, होटल में मेरे गांव में भैरव कोठी पहुंचा, तो लड़का आया। हमने कहा कि चाची ये जनता से इजराइल नाम किसका है? तो हम कहें कि चलिए से इजराइल नाम तो फलाना आदमी का, तो वो डेट कर दो। कब गया है? कौन है? आज गया है 7 बजे, चौकीदार होटल में बैठा हुआ था तो हम गए। लड़का आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहजहां। क्या? शाहजहां। गाय उधर झरा फिरने के लिए खेत की तरफ, हमारा खेत है उधरे गाय झरा फिरने के लिए, बस और लोग को प्रशासन पकड़ रहा था, ये भी वही खा रहा था, इसको धोआ लिया तो हम मार था। काहे मारा है? कह रहा था कि सबके साथ तारी था ना वहाँ पे, सब दुकान की उन्होंने, तो कह रहा था यही आदमी वहाँ पे खा रहा था, पी रहा था, इसी हालात में इसको बहुत मार रहा था। कै बजे का घटना है?
वही 4-5 बजे के करीब शाम में। कल शाम का घटना है? 23 तारीख को मार के। पिछले सोमवार को हो गया। अभी अभी ये घटना कैसे हुआ है, क्या हुआ है? ये तो हॉस्पिटल से न लेकर आए, वहाँ से जेल से लेकर, ये जेल से मार के लेके यहाँ पर ला के दा दिया था, हम लोग को खबर दिया था, हम लोग आए यहाँ पे। जेल कब गया था? जेल 23 तारीख को। 23 तारीख को कौन मामला में? सोमवार के दिन कौन मामला में जेल गए थे? खेत पथार है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्नी खातून है। जेल में मौत का मामला आ रहा है, परिजन आरोप लगा रहे हैं मारपीट का। देखिए, हम लोगों को सूचना मिली थी कि मोहम्मद निजाम नाम के कोई विचाराधीन कैदी थे, जो कि जिनको इलाज के लिए कल रात में यहाँ पर लाया गया और इलाज के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के बाद जो है हम लोगों को सूचना जेल प्रशासन के द्वारा दिया गया, जेल अधीक्षक के द्वारा। हम लोग आकर के उसका इंक्वेस्ट किए हैं और आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बस तो